अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब बात करते हैं मलिनी विधानसभा सीट की, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा है। पिछले दो राउंड की काउंटिंग में यहां समाजवादी पार्टी पीछे हो गई थी और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं धनंजय सिंह, वो लीड कर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के लक्की यादव जो है वो लीड कर रहे हैं और लक्की यादव ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है, पहला नंबर हासिल कर लिया है। धनंजय सिंह जो कि लगातार लीड ले रहे थे पिछले दो राउंड में, वो अब पीछे हो गए हैं और वोटों का अंतर यहाँ भी ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। मात्र 1696 वोटों का अंतर है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, ये हम आपको बता रहे हैं। और 1696 वोटों से अब धनंजय सिंह पीछे हो गए मलिनी में और लक्की यादव समाजवादी पार्टी के एक बार फिर आगे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी दो सीटें जीत सकती है। मलिनी में एक बार फिर समाजवादी पार्टी आगे आ गई है और अमरोहा की नौगावा सादात विधानसभा सीट पर मात्र 287 वोटों से समाजवादी पार्टी पीछे है, जो आसानी से हासिल कर सकते हैं जावेद अब्बास जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन नौगावा सादात में फिलहाल संगीता चौहान जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है वो आगे चल रही है, लेकिन मात्र 287 वोटों का अंतर है। हो सकता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी एक बार फिर लीड बना ले, क्योंकि सुबह से जावेद अब्बास समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो लीड में बने हुए थे और अब पहली बार ऐसा दिख रहा है कि संगीता चौहान बीजेपी उम्मीदवार लीड में नौगावा सादात में दिखाई दे रही है। लेकिन मलिनी में एक बार फिर खुशी की खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लक्की यादव पहले नंबर पर आ गए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह एक बार फिर पीछे हो गए हैं और 1696 वोटों का अंतर यहां दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, तभी आपको हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसलिए मीडिया हलचल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।